मोर्चे के जिला अध्यक्ष इमाम खान जी मंच पर बैठे हुए, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक बेन जी जातिगत जनगणना करवा के बिहार में नीतीश जी ने 75% आरक्षण इस देश में बिहार के लोगों को दे दिया। 75% लेकिन हमने कभी अपने कामों के आधार पर जो हमने जनता के लिए किए हैं हमने वोट नहीं मांगा, क्योंकि ये करना हमारा धर्म है, हमारी पार्टी की नीति है। हम एहसान नहीं करते, हम एहसान नहीं जताते। अगर ये कर रहे होते तो यहां क्षेत्र के विधायक छोटी सी नाली बनाते हैं 100 फुट की, अपना वहां पे पत्थर लगा देते और आपको आके बोलते देखा मैंने ये नाली बनवा दी। अरे भाई, नाली बनाना, रोड बनाना ये विधायक सांसद का काम नहीं है, ये तो पार्षद का बेटा है। लेकिन ये लोग अपने काम के आधार पर नहीं, जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़वा कर आपसे वोट लेना चाहते हैं। 17 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएंगे तो आपको सोचना चाहिए कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, किस नेता को वोट कर रहे हैं, उसने किया क्या है, समाज को दिया क्या है, ये सोचना आपका काम है। हमारे नेता लोहिया जी बोला करते थे इस देश में जब लोग रोटी बेटी और वोट को एक समान समझ लेंगे तो इस देश का लोकतंत्र समर्थ हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अपनी बेटी का विवाह करने के लिए कहीं जाते हैं तो उसकी 3 पीढ़ियों के बारे में पता करते हैं कि इस परिवार का क्या इतिहास रहा है, जिसके हाथ में हम अपनी बेटी को सौंप रहे हैं, उसका जीवन सौंप रहे हैं, वो कैसा है। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो हम ये चीज नहीं सोचते, हम धर्म की बात सोचने लगते हैं, छाती की बात सोचने लगते हैं, भूल जाते हैं कि इससे हमारा भविष्य नहीं बनने वाला, हमारा क्षेत्र नहीं बनने वाला। हमें उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, उस पार्टी को वोट देना चाहिए जिसकी नीति रीति और कर्ता एक समान हो। हमारी पार्टी की नीति एक समान है, बिहार में हमारी पार्टी की सरकार है, यहां हमारे अल्पसंख्यक भाई बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, ज्यादातर तादाद में रहते हैं। आप जानते होंगे आपके रिश्तेदार बिहार में रहते हैं। आज अगर हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई अगर इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सम्मानित है, इज्जत के साथ है तो सिर्फ बिहार में है, और इसलिए क्योंकि वहां हमारा नेता नीतीश कुमार है, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। किसी माइकल दाल की हिम्मत नहीं है जो वहां धर्म और जाति के नाम पर किसी को लड़ाने की बात करे। मेरे से कल बालाघाट में एक पत्रकार वार्ता में पूछा कि जायसवाल जी आपकी पार्टी तो पूरे प्रदेश में नहीं लड़ रही, आप किस आधार में कह रहे हैं कि हम सत्ता को कंट्रोल करेंगे। मैंने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हाथी कितना बड़ा होता है लेकिन एक बहावत छोटा सा सूर लेके बैठा रहता ना उसके माथे पर तो हाथी को कंट्रोल करके चलता है। आप हमें सूर दीजिए, हम इस सत्ता में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हाथी को कंट्रोल करके रखेंगे और आपके हित के लिए काम करने के लिए मजबूत करके रखेंगे। दोस्तों,
जनता कहना चाहता हूं कि जनता दल यू ने इस शहर को सब कुछ दिया है। एक बार उस पार्टी के लिए वोट करके देखो। एक नौजवान हमारा साथी है संजय जैन, इसकी एक फुटपाथ की दुकान शुरुआत में है। ये उसी तरह व्यापारियों में से हमारे भाई काट जहां लगा रहा वो मेरा भाई फल की दुकान लगा के खड़ा, उसी प्रकार ये आपके बीच का व्यापारी है। हमने सत्ता बल धन बल ऐसे किसी प्रत्याशी को नहीं चुना, हमने उस प्रत्याशी को चुना जो आपके अपने बीच में है, जिसके पास जनबल है। जनबल है इसके पिताजी ने अपना पूरा जीवन धर्म और जैन मंदिर की सेवा में बिता दिया। कोई आरोप नहीं, लेकिन हमने जैसा हमारी पार्टी की नीति है कि हम दलित शोषित वंचित और पिछड़े तबके के लोगों को हम राजनीतिक तौर पर मजबूत करते हैं। जैन समाज के साथ अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी ने उसको टिकट नहीं दिया। हमने तय किया कि हम उस समाज की इज्जत करते हुए मान सम्मान रखते हुए हम उसको यहाँ पे अगर संभव होता तो हम किसी अपने अल्पसंख्यक भाई को भी आगे बढ़ा सकते। ये भी अल्पसंख्यक है, दोनों भाई भाई हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि संजय जैन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये समाजवादी नेता है, ये कभी बेईमान नहीं हो सकता और कभी लाचार नहीं हो सकता। आपके लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति होगा। हमें चिंता नहीं कि परिणाम क्या होगा, हमें चिंता इस बात की नहीं कि क्या होने वाला है। हमको उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में एक ईमानदार बीज बोने आए हैं जो आगे चलकर एक पेड़ बनेगा और शिक्षा में हम सब लोग रहेंगे। मुझे याद आता है यही वो जगह थी जब एनआरसी के समय हमारे घर की माताएं बहनें यहां पर धरने को बैठी। याद है कि नहीं आप लोगों को, यहां पर बैठी हुई थी किसकी सरकार थी उस वक्त? कांग्रेस की सरकार थी और हमारी उन मां बहनों के साथ धोखा हुआ, उनके पर लाठी चार्ज करवाया गया। कौन था इसका जिम्मेदार? कांग्रेस। अरे भाजपा और कांग्रेस एक नागराज है, दूसरी सांपराज है। ये नहीं चाहते कि कोई ईमानदार राजनीतिक दल उभर के सामने आए, लेकिन नीतीश जी ने हम लोग को आदेशित किया और हम लोग यहां पर आपके बीच में आए अपनी बात रखने के लिए। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, बहुत कुछ है इस दिल में, दर्द है। हमारे नेता ने शहर के लिए तो बहुत कुछ दिया, लेकिन एक छोटी सी घटना मुझे भी याद आ गई। जब मैं नगर निगम में अध्यक्ष था, यहां के क्षेत्र में समस्याओं को लेकर मैं दौरा कर रहा था, मैं मोती नाला अस्पताल गया। मैंने वहां पर देखा कि गर्मी के समय में वहां पे हमारी मां बहनें बहुत परेशान हैं। अस्पताल में पंखा तक नहीं था, गर्मी में बीमार हालत में हमारी मां बहन अस्पताल में, और उनके लिए पंखा तक नहीं था। मैंने को कहा कमिश्नर साहब से, मैंने कहा इसमें पंखे तो नहीं लगे? उन्होंने कहा साहब अभी हमारे पास बजट नहीं। मैंने आपने हद कर दी, अस्पताल में पंखे नहीं और आप बोल रहे बजट नहीं। मैं अपने पैसे से अस्पताल
अस्पताल में पंखा लगवाता हूँ, और आज जो मोतीलाल अस्पताल में पंखे चल रहे हैं वो मैंने लगवाए थे अपने पैसे से लगवाए, ये भी जनता दल बनवाए। और इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या थी, एक बाल्टी पानी के लिए पानी से ज्यादा खून बह जाता था यहाँ पर। ऐसे में उस समस्या का समाधान करते हुए जनता दल के समय में पानी की टंकी बनवाई गई। तो हम लोग तो आपके बीच के हैं, आपके अपने हैं, आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, हम उसका समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। हम जानते हैं कि एक रुपए में भी हम काम कर सकते हैं और करके दिखाया है हमने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, हमारे धर्म किताब में भी शराब को हराम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा ने घर घर में शराब की दुकान खुलवा दी, लेकिन बिहार में हमारे नेता ने शराबबंदी कर दी, वहां शराब नहीं दिखती। और आज उसका परिणाम यह है कि हर घर में महिला सुरक्षित है, हर घर में बच्चे के लिए पढ़ने के लिए किताब है, हर घर में खाने के लिए रोटी है। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा, कोई 1000 रुपए की बात कर रहा है, कोई 1500 रुपए की बात कर रहा है। अरे हमने तो अपने गाने में भी लिखा है, रुपये पैसे बांटने से नहीं होगा महिलाओं का सम्मान, रुपये पैसे बांटने से नहीं होगा महिला का सम्मान, उसकी बचे की मां बहनों की इज्जत जब बंद होगी शराब दुकान। एक विधायक, 5 विधायक विधानसभा में हमारे पहुंच गए तो फिर हम देखते हैं सरकार कैसे शराब बेचेगी, कैसे बिकवाएगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, 17 तारीख को हमारे जो प्रत्याशी हैं संजय जैन, इनके चुनाव चिन्ह तीर पर बटन दबा कर इन्होंने बनाएंगे। आप बोलते हैं नेता अच्छा होना चाहिए, आप बोलते हैं पार्टी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब इन अच्छे लोगों को चुनने का वक्त आता है तो आप भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। और ये जो दोनों भौतिकवादी दल हैं, ये लोग ये मान के चलते हैं कि हम गरीब का वोट नोट से, शराब से, मुर्गे से खरीद लेंगे, लेकिन आज इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश की हमारी मां बहने ये हर चीज को अच्छे से पहचान चुकी हैं, और अब ये लोग न नोट से बिकेंगे, न बोतल से बिकेंगे, न मुर्गे से बिकेंगे। अगर बिकेंगे तो ईमानदारी से बिकेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने वोट को मत बेचिए, बल्कि एक वोट देकर इस नौजवान को खरीद लीजिए, मौका बना लीजिए। और जिस दिन आप इसको एक वोट के द्वारा खरीद लेंगे तो ये आपका गुलाम होगा, और फिर आप जैसा चाहेंगे आपके क्षेत्र में विकास की बात होगी। मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए, मुझे अभी रतलाम पहुंचना है, कल रतलाम में हमारी सभा है, झाबुआ में, थांदला में, पेट्राबाद में, और समय कल परसों शाम को 5 बजे तक का है। मुझे अभी सीधे यहां से 12 घंटे रास्ते
के द्वारा रतलाम पहुंचना है। इससे ज्यादा समय न लेते हुए आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे चाहता हूं कि दोनों हाथ उठाकर इस बात का विश्वास दिलाएं कि 17 तारीख को तीर पर बजेंद्र नाथ देव आएंगे और नीतीश जी के प्रति आभार प्रकट करेंगे। आजादी के बाद आज तक इस देश में जातिगत गणना नहीं हुई, सरकारें जानवरों की गिनती करवाती है, कितने हिरण हैं, कितने भीम हैं, कितने शेर हैं, कितने भेड़िए हैं, कितनी लोमड़ी है, इसकी गिनती होती रही आजादी के बाद से आज तक। लेकिन इंसान की स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, इस बात की गिनती नहीं होने दी है दोनों राजनीतिक दलों ने। लेकिन अब नीतीश जी ने क्रांतिकारी कदम करके आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना करवाकर इस देश की जो स्थिति है सामाजिक न्याय की बदल दी है। तो नीतीश जी के लिए होगा आभार, दबे की तीर की बटन इस बार, ये आप सबका नारा संकल्प होना चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी। नीतीश जी ने 75% आरक्षण इस देश में बिहार के लोगों को दे दिया, 75%। लेकिन हमने कभी अपने कामों के आधार पर जो हमने जनता के लिए किए हैं हमने वोट नहीं मांगा, क्योंकि ये करना हमारा धर्म है, हमारी पार्टी की नीति है। हम एहसान नहीं करते, हम एहसान नहीं जताते। संजय जैन, इसकी एक फुटपाथ की दुकान है, फुटपाथ में ये उसी तरह व्यापारियों में से हमारे भाई चाट जहां लगा रहा वो मेरा भाई फल की दुकान लगा के खड़ा, उसी प्रकार ये आपके बीच का व्यापारी है। हमने सत्ता बल धन बल ऐसे किसी प्रत्याशी को नहीं चुना, हमने उस प्रत्याशी को चुना जो आपके अपने बीच में है, जिसके पास जनबल है, जनबल है। इसके पिताजी ने अपना पूरा जीवन धर्म और जैन मंदिर की सेवा में बिता दिया, क्योंकि इनको बहुत लंबा सफर तय करना है, वो सभा चलती रहेगी। मैं बुलाता हूँ मध्य प्रदेश के